ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस 2022 मेन का क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये पता है कि इंजीनियरिंग सर्विस का मेंस में जैसा क्वेश्चन आता है, सिविल सर्विस का मेंस में मैकेनिकल का ऑप्शन रखोगे सेम आता है। IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी सेम आता है। अभी DRDO एग्जाम हो रहा है उसका भी सेम, एकदम DRDO में तो एकदम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सेम है, सिलेबस भी सेम है, सब कुछ सेम है। इसलिए इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन जो मेंस का सेम टू सेम करना है अभी DRDO के लिए। दूसरा बात, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक डायरेक्ट क्लास का लिंक दे रखा हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड आप उसमें PDF डाउनलोड करो, उसी में लिंक दे के रखा हूँ क्लास का। जैसे ही क्लिक करोगे डायरेक्टली आपका क्लास चलने लग जाएगा, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल सब्जेक्ट का होगा। तो ये एक क्वेश्चन है हमारा 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन का। अब 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन गेट का सिलेबस में भी है, इसलिए एक स्प्रेडशीट दिया हूँ, उस स्प्रेडशीट में भी ये होगा। और सर्च कर लो 2D ट्रांसफॉर्मेशन, 3D ट्रांसफॉर्मेशन, आपको दिख जाएगा। गेट के लिए है और IAS के लिए है। तो रोबोटिक्स का मेंस क्लास शुरू में देखो, कैसे हमने हजार हजार क्वेश्चन सॉल्व करा के आपको दिए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आता रहता है। अब सवाल है सर, ओरिजिनल का जो बॉडी बॉडी का पोजीशन है BP, आपका 1 2 3 है ट्रांसपोज, तो आपने उसको एक बार जब रोटेशन करेंगे 30 अबाउट एक्स एक्सिस, एक बार रोटेशन करते हैं 30 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस, तो हमें क्या करना है सर? ये जो आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज फिक्स्ड एक्सिस, इसका हम बोलते हैं फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, फिक्स्ड एक्सिस एक्सिस रोटेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्री मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सबसे पहले हमारा जो होगा इसका, अगर हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे सर, आपका जो फाइनल मैट्रिक्स होगा ना, फाइनल आपने ऐसे लिख सकते हो सर, आपका जो फाइनल मैट्रिक्स होगा दैट इज बी फाइनल। बस इसको मोटा कर लीजिए, तो आपका जो फाइनल मैट्रिक्स होगा बी फाइनल, तो सबसे पहले आपका जो BP मैट्रिक्स है वो पहले इसमें लिखो कि सर बी, हमारा जो पी पॉइंट है उस मैट्रिक्स को हमें प्री मल्टीप्लिकेशन करना है जो पहले हुआ है। सर ये जो आपका रोटेशन हुआ है एक्स एक्सिस 30 डिग्री, ये सबसे इससे पहले होगा इस मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स 30 डिग्री इसके पहले होगा प्री मल्टीप्लिकेशन, ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है। उसके बाद जाएगा आपका रोटेशन ऑफ वाई एक्सिस 45 डिग्री, ये हो गया टोटल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है दिस वन। तो हमने बोलेंगे सर देखिए कि आपका जो रोटेशन ऑफ एक्स एंड 30 डिग्री जब बोलोगे इनटू पी, इससे अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? ये आपको बहुत दिन सदियों से मैंने सिखा रखा हूं कि अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट रोटेशन होता है तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1, इसका रो हो जाएगा आपका 0 0, एंड कॉलम हो जाएगा आपका 0 0। दिस इज फर्स्ट रूल। इसके बाद होता है कि सर कॉस थीटा होगा कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, आपका साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन एक्स अबाउट 30 डिग्री। इसको आपने बोला सर मल्टीप्लाई करूंगा 1 2 3 से, इसमें एक मंडल्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो यूज कर दिया जाए, सो दैट आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती ना हो। इसमें क्या करना है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको लिख दिया जाए 1 0, आपका 0 0 हो गया। अगर कॉस 30, अच्छा यहाँ पे √3/2 1/2 ऐसे कभी मत लिखना, उससे टाइम टाइम कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा। में लिखेंगे 0.6, 3/2 है, 1/2 को लिखो माइनस 0.5, मत लिखो आपने हाफ, हाफ ऐसे लिखने से बहुत टाइम कंज्यूमेशन गलती भी होता है। फिर साइन आपका 0.5 एंड ये आपका 0.6। अब आपका जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसको हॉरिजॉन्टल कर दो 1 × 2 × 3, ये सबको मैंने सिखा चुका हूँ, आप एक बार क्लास खोल के देख लो उसमें।
आपका इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री, ये आपका इंटू वन इंटू टू थ्री। फिर आपको क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई, यू हैव टू ऐड दिस प्लस दिस प्लस प्लस दिस इज माइनस दिस इज प्लस। तो जैसे ही करोगे आप देखो क्या हुआ, सर 100 ऐड करने से हमारा 1 आएगा, पॉइंट 0.86 इंटू माइनस दिस इसका 1.6 के आसपास आ रहा है समथिंग। तो मतलब मल्टीप्लाई करने के देखा इसका वैल्यू आ रहा है आपका 0.232 एंड इसको जब करोगे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका देखो इसका 0 है ये आपका 1 होगा एंड इससे मल्टीप्लाई कर ले जाए सर इसका रहा है 3.598 रोटेशन वाई ऑफ 45 डिग्री सर आपका रोटेशन वाई 45 डिग्री है। नाउ नाउ रोटेशन y 45 डिग्री इनटू ये जो आपका भी मैट्रिक्स मिला है उसका मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू दिस व्हाट इज दिस दैट इज 1 0.232 एंड 3.598 इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। जब करना है तब जाके ये जुगाड़ लगाना है कि सर दैट इज इक्वल टू रोटेशन y ऑफ मतलब आपका रोटेशन y में यहां पे आ जाएगा 1 यहाँ पर जाएगा 0 0 ये आपका 0 0 रो कॉलम 0 हो जाएगा एंड वाई का जगह में 1 हो जाएगा आप हो जाएगा कॉस 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 45 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। सर इसमें क्या होता है कि 1 बीच में घुस गया ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा माइनस तो उल्टा होता है। हाँ ऐसे बाकी कभी नहीं उल्टा होता है। अगर साइन कॉस जैसे यहाँ पे देख रहे थे आपका साइन कॉस सारे साथ साथ है इसमें यहाँ पे ऑल दैट इज कॉस माइनस साइन कॉस होता है लेकिन अगर गलती से वन बीच में घुस गया कभी तब जाके ये साइन का साइन उल्टा होता है ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस एंड उसके साथ आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है दिस 1 0.3232 एंड 3.598 जब इसको मल्टीप्लाई किया अब क्या होगा सर इसका मल्टीप्लिकेशन का मंडल्स मेथड लगा दीजिए इसमें मंडल्स लगा दिए cos 45 प्लस 1 बाय √2 मत लिखो उसको लिखो 0.707 फिर बीच वाला 0 फिर 0.707 इस वाला आपका 0 1 0 फिर लास्ट वाला सर उसका भी तो माइनस लास्ट वाला क्या होगा सर आपका माइनस 0.707 ये वाला 0 ये आपका 0.707 फिर आप मंडल्स मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करोगे तो क्या होगा सर इसके साथ हो जाएगा इनटू ये वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल कर दो तक सर 1 ये आपका 0.32 ये जाएगा इनटू 3.58 क्या जाएगा 1 क्या जाएगा 1 क्या जाएगा 2.2 आपका 0.2 ये आपका 3.58 आपका इंटू 3.58 अब जब इसमें ऐड करेंगे इसमें ऐड कर दे प्लस 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 जैसे ऐड कर देंगे आपका जो कैलकुलेटर में ऐड करो जो आएगा आंसर दिस इज द आंसर एंड ये क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व हो गया समाप्त हो गया तो फाइनल आंसर आएगा 3.251 इसका रहा है 0.22 एंड लास्ट वाला है 1.837 ये अगर आपने करके आ गया तो आपको जो है 10 मार्क्स मिल गया। तो ये मेथड सबको सीखना चाहिए एंड जिसको भी किसी में इस पर डाउट है तो इस वीडियो का जो लिंक दिया हूं मैंने उस स्प्रेडशीट में जाके एफए सीरीज में 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन देख लो
उसमें पूरा डिटेल्स में आपको करके दिया हूँ गेट के लिए, और मेंस का क्लास में दिया हूँ रोबोटिक्स का शुरू शुरू में, आईईएस के लिए एंड आईएएस आईएएस आईएफएस एंड डीआरडीओ के लिए। ओके चलो बाय बाय।